गाइस आज 11 जुलाई और मैं हूँ होची मिन सिटी में और अभी सुबह के 8 बजे और जिस होटल में मैं रह रहा हूँ वो है ये वाला। तो ये है नेचुरल हाउस जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो अंदर कैसा रूम है और मतलब साफ़ सुथरा है कि नहीं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाता हूँ कि हॉस्टल है कैसा। तो ये है एंट्री, एक्चुअली यहाँ पर शॉप है तो आपको अंदर आना है और अंदर आके आपको और अंदर जाना है। तो अंदर चलते और तो यहाँ पर आपको शूज़ निकालना है अपने। ये है ये मेरे सैंडल्स जो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और अब चलते ऊपर। तो ये फ्लोर्स यानी एक माला है तो ऊपर जाना है हमको। तो अंदर मैं बात नहीं कर पाऊँगा आपसे क्योंकि अंदर काफ़ी लोग मतलब रह रहे यहाँ पर तो एकदम पीसफुल एरिया है। तो अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपको रूम दिखाऊँगा और वॉइस ओवर के ज़रिए आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में रूम के अंदर क्या क्या है। तो अभी अंदर जाते हैं शांति से और आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ अंदर है कैसा। और यहाँ पर है कुछ किताबें जिन्हें आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो, हालांकि यहाँ पर कुछ यूजफुल किताबें भी थी। ये 3 बुक्स पढ़ रहा था मैं और इसी बुक को पढ़कर मैंने वियतनाम में अपना अगला डेस्टिनेशन चूज किया। ट्रेकिंग होटल भी है पर ये वो सारे बेड्स, ये बेसिकली एक बंकर बेड है और ये है मेरा बेड जहाँ पर मैं सो रहा था। और यहाँ पर है कुछ चार्जिंग पॉइंट्स जहाँ पर आप अपना कुछ गैजेट्स भी चार्ज कर सकते हो। तो यहीं पर मैं रह रहा हूँ। हालांकि मुझे एक टाल और एक बॉडी सोप और एक शैम्पू भी दिया गया था लेकिन ये लॉकर इतना छोटा था कि मेरा कैरी बैग भी इसके अंदर नहीं जा पा रहा था। खैर इस तरह का है मेरा हॉस्टल और अब चलते हैं बाहर। तो अंदर का रूम ऐसा है, मतलब बेसिकली एक डॉर्म है तो एक के ऊपर एक बेड है। तो मैं ऊपर के बेड पर रह रहा था तो नीचे जो है वहाँ पर मतलब कर्टन्स लगे तो प्राइवेसी होती लेकिन ऊपर जो है वो थोड़ा ओपन है तो मतलब कर्टन्स नहीं रहते लेकिन फिर भी ठीक है। मैं ऊपर ही रह रहा था और वहाँ पर अंदर कैमरे भी लगे तो कोई मतलब चोरी करने के लिए सौ बार सोचेगा। तो मैं वहीं पर सामान अपना रखा हुआ था लेकिन फिर भी माइंड में रहता ना कि कभी चोरी हो गया तो फिर एक तो विदेश मतलब विदेशी धरती पर हो आप और चोरी हो गया तो फिर कहाँ पर आप जाओगे। तो वो माइंड में रहता ही है लेकिन फिर भी सेफ है और साफ़ सुथरा है रूम भी। और अभी मैं आपको टॉयलेट दिखाता हूँ। तो 2 टॉयलेट और 2 बाथरूम है। तो ये टॉयलेट, ये वॉश बेसिन और ये मैं तो यहाँ पर है टॉयलेट साफ सुथरा है और ये शावर मैं दिखाता हूँ। तो ये है वो शावर और यहाँ पर ये पानी है। मतलब बेसिकली ये घर ही है पूरा। तो इन्होंने एक रूम डॉर्म बना दिया, मतलब एक सबको मतलब हॉस्टल बना दिया जिसको आना है रह सकता है वो। तो मैं आपको दूसरा तो मैं आपको अभी दूसरा बाथरूम दिखाता हूँ। तो ये है वो दूसरा बाथरूम। तो यहाँ पर है वॉश बेसिन और ये टॉयलेट और ये शावर और ये वो मैं तो काफ़ी साफ सुथरा है तो एकदम क्लीन है। और ये है वो मैम जिनके घर में मैं रह रहा हूँ, सिंचाओ तो इनके घर में रह रहा हूँ मैं और ये इनका किचन है। तो पूरा घर इनका ही है। हाँ तो ये पूरा घर इनका ही है और इनके घर में रह रहा हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छा है,
सिर्फ किचन जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो किचन अगर यूज़ करने का रहता है तो बोलते हैं ना चेरी ऑन केक वैसा हो जाता है, तो लेकिन यूज़ नहीं कर सकते किचन, लेकिन फिर भी अच्छा है एकदम, मतलब फ्रेंडली है और एकदम अच्छे जॉली पर्सन है। और इनकी एक बेटी है जो शायद मतलब बातें करती रहती सबसे, या इनको इंग्लिश इतनी नहीं आती लेकिन उनको आती है, वो अच्छे से हमसे बात करती है और कम्युनिकेट करती है, तो इसकी वजह से मतलब काफ़ी जो टूरिस्ट है उनको ईजी पड़ जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा यहाँ पर, तो मतलब ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं। दो टाइप के लोग मिलेंगे यहाँ पर आपको, या तो जिनको मतलब एक ऐसे लोग मिलेंगे जिनको इंग्लिश आती नहीं, और फिर या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलब इंग्लिश टीचर बने हुए हैं, तो ऐसे मतलब दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे। तो खैर ये है वो रूम यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, और इनका ही रूम है, तो ये कुछ बना रही है और ऊपर भी है कुछ, ऊपर शायद टेरेस है, तो ऊपर शायद किसी और का रूम रहेगा। तो खैर अब मैं जाता हूँ अंदर, और ये शायद कुछ यू हैव टू सेल्फ चेक आउट चेक इन, अच्छा मेरी जो की है वो मुझे यहीं पर रखनी है, तो लेकिन की मुझे उन्होंने कहा कि ये लॉकर में ही रख देना, तो मैं लॉकर में रख के चले जाऊँगा। तो ये है वो डिटेल्स। एक बात आपको बता दूं कि हॉस्टल में रहना है आपको, तो ये आपका पासपोर्ट पासपोर्ट वो सब कुछ नहीं लेते, ये सिर्फ आपका पासपोर्ट देखेंगे, फ़ोटो निकालेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे बस, और आपको आपका पासपोर्ट वापस दे देंगे बस। तो एक अच्छा है कि आपको मतलब हॉस्टल में आपको पासपोर्ट जमा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहीं भी लेके जा सकते हो अपना पासपोर्ट। लेकिन एक बात बता दूं कि हॉस्टल जो है वो डिस्ट्रिक्ट 5 में है, तो काफ़ी मतलब नज़दीक है, डिस्ट्रिक्ट 1 में ज़्यादातर कुछ लोग रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 5 भी नज़दीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 5 में लोकल मार्केट है, तो मेरे लिए काफ़ी नज़दीक था जहाँ पर मैं कल गया था, तो वो मेरे लिए अच्छा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे, अलग अलग कंट्री से आए हुए, तो सबके फोटोज यहाँ पर रखे हुए, और ये 11 जुलाई। तो इस तरह का है ये रूम, और अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो इनको मैं कहता हूँ बाय बाय, और फिर यहाँ से निकल जाता हूँ। तो कैमा फॉर गिविंग मी सच लवली रूम, वेरी नीट एंड टाइडी रूम, क्लीन रूम, तो कैमा थैंक यू सो मच। या सो हम लोग अभी फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो मैम मेरा फ़ोटो निकालेगी और वापस शायद दीवार पे टंगा देगी, तो अच्छा है। थैंक यू सो मच, एंड दिस प्लेस इज वंडरफुल, वेरी क्लीन, वेरी नाइस एंड पीसफुल, नो नॉइस, नो क्राउड, नो कार, ठंडी थोड़ा मतलब समझ नहीं पा रही, लेकिन फिर भी मैं उनको समझा रहा हूँ कि क्या है कैसे, बट दिस रूम बेस्ट बेस्ट, वेरी नाइस एंड आई एम हैप्पी, कम ऑन कम ऑन, ओके। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैम ने मुझे और एक थैली में मांगा हूँ, तो मुझे दे रही मैम, और कितना बड़ा था, नॉट दिस वन, प्लास्टिक वन, क्योंकि मैं बस से जा रहा हूँ तो और मुझे मोशन वॉमिटिंग की इशू है, तो इसलिए मैं उनसे थैली मांग रहा हूँ, कभी 9 घंटे की जर्नी है और पता नहीं कभी उल्टी हो गई, तो एटलीस्ट थैली तो ना चाहिए, पता नहीं ये मतलब जाने से पहले सोच लिया मैं कि उल्टी होने वाली, अभी फीलिंग भी वैसी आ रही, पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं बस में कम ट्रैवल करता हूँ। तो ओके या, 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 या। तो अब मैं जा रहा हूँ, और थैंक यू सो मच कैम ऑन एंड सिंचाओ, तो अभी हम जा रहे हैं, बाय बाय, ठीक है, तो चलो अब निकल दें, और 7 मिनट का अब मेरा ये जैसे वॉकिंग, या कम ऑन कम ऑन। तो और एक ये भी गेस्ट थे, सो हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज योर स्टे, इट्स नाइस नाइस राइट, या वेरी नाइस, थैंक यू। मैं बाहर निकल चुका हूँ मैं, और अब यहाँ से मुझे जाना है अपना रूट पकड़ के बस स्टॉप के यहाँ पर, तो मैं चल रहा हूँ यहाँ से आगे, और 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है, और अभी बज रहे हैं 8:44, तो मुझे उन्होंने कहा था कि 8:45 को पहुंच जाना, लेकिन मैं थोड़ा एक अभी देखते 9 बजे निकल जाएंगे वो लोग, मुझे कहा था कि 15 मिनट पहले पहुंच जाना, तो खैर अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, और देखते बस तो मिल ही जाएगी, 9 बजे की नहीं मिलेगी तो 9:30 की मिलेगी, लेकिन मिल ही जाएगी। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, और जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वो है नियाचांग, नियाचांग बेसिकली वियतनामीस प्रोनंसिएशन है, तो अब मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ, और वहाँ पर शायद एक ही दिन रहूँगा वहाँ पर भी, तो चलिए अब जाते हैं वहाँ पर, और बस से कितना किराया लगेगा वो सब मैं आपको वहीं पर जाके बता दूँगा, तो चलते हैं। और बाय द वे होची मिन्ह के बारे में, अभी होची मिन्ह में रह रहा हूँ,
तो हो ची मिन्ह के बारे में तो आपको बताना ज़रूरी है। तो हो ची मिन्ह जो है उसका पुराना नाम है साइगोन, और ये काफ़ी मतलब वियतनाम का सबसे बड़ा सिटी है, और इसका जो नाम है हो ची मिन्ह वो हो ची मिन्ह के नाम पे रखा गया है, जो यहाँ के गवर्नर भी थे और चेयरमैन भी थे, तो उनके नाम पर ये सिटी का नाम रखा है। तो खैर अब ये उसकी ये तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, और ये यहाँ का रेस्टोरेंट। तो ये बेसिकली इसी तरह से मतलब रोड पर खाते हैं, और सुबह सुबह खाना खा रहे यार मेरे को अजीब लगा, लेकिन ऐसा ही है यहाँ का कल्चर। और अच्छा फ्रेंडली माहौल है यहाँ पर, आया हूँ तब से हॉस्टल में रह रहा था लेकिन हुइन के साथ घूम रहा था, तो काफ़ी फ्रेंडली लोग भी मिले मुझे, तो अभी देखते हैं और कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सब लोग यानी इतने फ्रेंडली, हमें मतलब स्माइल करेंगे आपको देखकर, कभी मतलब मुझे मतलब ऐसा बोलते हैं बैड एटीट्यूड नहीं है किसमें भी, या मतलब देख के नज़रअंदाज करेगा ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एकदम फ्रेंडली और अच्छे है। तो यहाँ पर सब तो यहाँ पर और भी लोग मैंने कहा ना एकदम फ्रेंडली है, सब मिलकर आपको देख के स्माइल करेंगे बोलेंगे। तो 4 मिनट दिखा रहा है अभी, तो बस अभी और थोड़ा ही चलना है और मैं पहुँच जाऊँगा। क्लाइमेट की हमेशा बात करते रहता हूँ मैं, तो क्लाइमेट हमेशा की तरह बढ़िया है, कल भी अच्छा था आज भी अच्छा है। मैं हमेशा कूल क्लाइमेट की बातें करते रहता हूँ क्योंकि मुझे कूल क्लाइमेट पसंद है, और ठीक वैसा ही क्लाइमेट है। बारिश कल हुई थी शाम को, थोड़ा ज़ोरदार हुआ था, बारिश होने के आसार तो लग रहे लेकिन ठीक है, अभी फ़िलहाल हुआ नहीं है, क्लाइमेट ठंडा है तो अच्छा लग रहा है, यानी गर्मी नहीं लग रही मुझे तो बढ़िया है। बाय द वे आपको अभी मैं स्ट्रीट दिखाता हूँ और जो ट्रैफिक है वो भी दिखाता हूँ। बेसिकली राइट हैंड साइड ड्राइव है, तो यहाँ पर बेसिकली राइट हैंड साइड ड्राइव है, यानी उल्टा इंडिया से, इंडिया में हम लेफ्ट साइड में चलाते हैं, यहाँ पर राइट साइड में चलाते हैं। तो स्कूटर मैं कल में बैठा था हुइन के, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था पीछे बैठ के, लेकिन थोड़ा सीखने को टाइम लगेगा, लेकिन अभी मैं चलाया ना स्कूटर, लेकिन अभी चलाने का प्लान है, देखते हैं अभी आगे कैसा होता है और फिर उस हिसाब से प्लान करते। तो और 2 मिनट चलना है मुझे, हमेशा याद रखिए कि क्रॉसिंग करते वक्त क्रॉस पाथ का यूज़ कीजिए, जैसा ये गाड़ियाँ इधर उधर जा रही तो ये मत सोचना कि कहीं से भी क्रॉस कर सकते, क्रॉस पाथ से ही क्रॉस करना। अभी क्योंकि रेड सिग्नल है इसलिए मैं जा नहीं सकता हूँ आगे, अभी ग्रीन हो गया अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी बाइक तो चलती रहती है तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है, सिंगापुर जैसा नहीं है लेकिन फिर भी बढ़िया है यार वियतनाम का, मतलब क्या कहूँ इतने फ्रेंडली लोग हैं, मतलब मज़ा आ गया। शटल बस की तरह है, तो यहाँ से वो हमको बस स्टेशन तक लेके जाएगी, फिर वहाँ से हम बस पकड़ के निया चैंग के लिए निकलेंगे। तो 9:30 बजे मतलब आधा घंटा लग गया यहाँ पर आने के लिए, अब यहाँ से मैं बस में बैठूँगा और फिर बस में हम लोग सीधा जाएंगे निया चैंग।